अब देखिए ये थ्री पोलराइड्स हैं, दे आर कैप्ट कोएक्सियली, तो यहाँ पे तीन पोलराइड्स मान लेते हैं ऐसे रखे हुए हैं, कोएक्सियली रखे हुए हैं भाई, लाइक दस। ओके, अब लिखा है एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पोलराइड इज 90 डिग्री, मतलब इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये इसका मतलब है। इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट पोलराइड, देखिए लाइट एनर्जी दैट इमर्जेस फ्रॉम द सिस्टम इज, अच्छा देखिए एक लाइन हम मिस कर गए, द एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पोलराइड इज 60 डिग्री, मतलब पहले पोलराइड और सेकेंड पोलराइड के बीच में जो पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब यहां से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। देखिए इसमें यहां पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए, पहली चीज एक पोलराइड से पास होते ही इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो जाती है। अब इसके बाद जैसे जैसे वो पोलराइड से पास होगी, जैसे जैसे पोलराइड से पास होगी इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म मल्टीप्लाई होता जाएगा जो कि मैलस लॉ है। तो यहां से जो इंटेंसिटी निकली है वो कितनी निकली है आई नॉट बाई टू। अब इसके बाद देखिए इसके पास एक्सिस और इसके पास एक्सिस 60 डिग्री का एंगल है, तो कॉस स्क्वायर 60 और मल्टीप्लाई होगा, और इसके पास एक्सिस में उसके पास एक्सिस में 30 डिग्री का एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें और इसमें अगर 60 है तो इसमें इसमें 30 होगा, तो एक कॉस स्क्वायर 30 और मल्टीप्लाई होगा। जरा इसको सॉल्व करें, पहला आ जाएगा आई नॉट बाई टू, कॉस स्क्वायर 61 बाय 4 होता है, कॉस स्क्वायर 33 बाय 4 होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 आई नॉट बाय 32, तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा।